हमारे चैनल हमारा बिहार न्यूज को करे सब्सक्राइब और प्रेस करे बेल आइकॉन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले को तेजी से बढ़ते देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप मंगलवार यानी आज कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 6 फरियादी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तभी से नीतीश कुमार ने मंगलवार को इस संबंध में बड़ा फैसला लिए जाने का संकेत दे दिया था। वहीं पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में फिर से 72 जूनियर डॉक्टर और मेडिकल छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे अब यहां कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 168 हो गई है। वहीं आज संभावना है कि शाम में नीतीश कुमार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के बैठक में शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आ सकता है। ज्यादातर संभावना इस बात की है कि सूबे में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी जाएगी, साथ ही फिर नाइट कर्फ्यू लगाने को लेकर भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप कोई बड़ा फैसला ले सकता है। इधर आपको बताते चले कि पिछले 5 से 6 दिनों के दौरान बिहार में कोरोना काफी तेजी से फैला है, जिसको लेकर नीतीश कुमार भी अपनी चिंता जताई है। अब देखने की बात यह है कि आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में क्या फैसला निकलकर सामने आता है। क्या बिहार में एक बार फिर से आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की जाएगी या फिर नाइट कर्फ्यू जैसे हालात बन सकते हैं। बहरहाल बिहार में जिस रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब सरकार, प्रशासन और लोगों के अंदर डर समा गया है। ये बड़ा दुखद है भाई, क्या बताएं। आज जितने लोग आए यहाँ पर और आते हैं, तो उसके पहले एक तरीका बना हुआ है टेस्ट होने का। वहाँ टेस्ट हो गया, सब आ गए 186, और यहाँ पर जो टेस्ट किया उसमें 6 लोगों का हो गया, निकल गया पॉजिटिव। तो दुख तो नहीं होगा, बहुत दुखद हुआ कि भाई क्या हो रहा है, इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी अब जैसे पिछली बार जिस तरह से अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ा था, वैसी ही लगता है घटना शुरू हो गई। आज तो जो भी हुआ था कल और आज तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो गया, इसलिए बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। आज सब जगह की खबर लेकर के कल तो निर्णय लेना पड़ेगा।